अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस चैप्टर में जनाब हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं और मोशन के सिलसिले में आज इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ लेक्चर्स में ये वाइंड अप होगा। नाम है जनाब इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होती है जनाब प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तो हम बाद में बहस करेंगे। पहले आप ये देखें कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस करते हुए या अभी तक जितनी फिजिक्स हमने डिस्कस की है उसमें हमने मोशन को स्टडी करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया। हमारे पास मोशन को स्टडी करने के लिए ले दे के बस एक ही शय है, वो है जनाब इक्वेशंस ऑफ मोशन। उनकी मदद से ही हमने डिस्कस किया है, करना है तमाम किस्म की मोशंस को जितने भी हमारे पास हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनकी लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये जरूरी है कि हमेशा मोशन वन डायमेंशन में ही हो? क्या टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में मोशन नहीं हो सकती? तो अगर टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करना हो तो उसके लिए हम टू डायमेंशन में मूव करने वाले बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन, वेलोसिटी, टाइम वगैरह वगैरह कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, क्या फॉर्मूला, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास तो ले देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ही है जो हमारे पल्ले है, और कुछ भी नहीं अभी तक। तो क्या तरीका इस्तेमाल करें कि हम टू डायमेंशनल मोशन को आसानी से स्टडी कर सकें ना? उसके लिए हम एक तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कह लीजिए, या एक लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। क्या हम ये देखेंगे कि जो टू डायमेंशन में होने वाली मोशन है उसमें दोनों डायमेंशन में, दोनों सिमत में होने वाली मोशन क्या एक दूसरे पर डिपेंड करती है? क्या दोनों डायमेंशन में होने वाली मोशन, अगर दो डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल मोशन है, एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट हो रही है, तो क्या उसमें एक्स एक्स वाली मोशन और वाई एक्स वाली मोशन का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक है? अगर तो एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक है फिर तो एक को डिस्कस किए बगैर दूसरे को डिस्कस नहीं किया जा सकता। और अगर दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है फिर आप दोनों को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जनाब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनके दरमियान ताल्लुक को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। जनाब मैं कौन हूं? मैं अनुमान अहमद जीरक हूं, ठीक है जी। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है जनाब। क्या हर वो बंदा जिसका नाम नुमान है वो फिजिक्स पढ़ाता होगा या वो टीचर होगा? जरूरी नहीं है। मैं जब आपसे कोई बात करता हूँ, ज्यादातर मेरे पास सोशल मीडिया पे जो लोग ऐड हैं वो ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, और ज्यादातर इंटरेक्शन भी मेरा स्टूडेंट से ही रहता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे किसी अननोन नंबर से कोई मैसेज आता है या कॉल आती है तो मैं बेटा कह के मुखातिब करता हूँ या इस टोन में मुखातिब करता हूँ कि वो मेरे स्टूडेंट हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो कोई बात करते हैं, कोई इलॉजिकल बात करते हैं, अनरीजनेबल बात करते हैं, तो मेरा लहजा ज़रा डांटने वाला हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये तो मेरा स्टूडेंट ही नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे साथ ज्यादातर इंटरेक्शन उन लोगों का रहता है जो स्टूडेंट है, तो मेरा लहजा भी टीचर वाला रहता है या मेरा ज्यादातर मेरा अंदाज अंदाजे बयान नसीहतें करने वाला ही होता है ज्यादा, क्योंकि मैं यही समझ के बात करता हूँ कि वो स्टूडेंट है। तो वो अगर तो वो मुझे टीचर समझ के बात करेंगे तो फिर तो ठीक है, अगर टीचर समझ के बात नहीं करेंगे तब वो शायद बर्दाश्त ना करें कि ये भाई हम पे रोक क्यों डाली जा रहा है। हर वो आदमी जो मेरे जैसा है, मेरी जितनी उम्र का है, वो हर बंदे पे रोब नहीं डाल सकता, हर बंदे को नसीहतें नहीं कर सकता। जरा मुश्किल काम होता है नसीहतें सुनना, लेकिन स्टूडेंट सुन लेते हैं एहतरामन, अदबन या रस्मन कह लीजिए। तो बात ये है जनाब के मेरा नुमान अहमद जीरक होना और मेरा टीचर होना ये तो दोनों डिपेंडेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मुझसे बात करता है तो वो चाहते हुए ना चाहते हुए वो स्टूडेंट समझ के ही बात करना करेगा मुझसे, क्योंकि ये दो बातें तो रिलेटेबल हैं, इंटर रिलेटेड हैं कि ये जो शख्स है, ये जो भाई है, ये हमारे टीचर हैं। लेकिन जब मैं रोड पे जा रहा हूं और मैं बाइक चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, उस वक्त अगर मैं किसी को डांट दूं, किसी को गाड़ी मार दूं या बाइक एक्सीडेंट कर बैठूं और बाद में मैं उसे कहूं कि जनाब मैं प्रोफेसर नुमान अहमद जीरक साहब हूं, तेरी ऐसी ही तेरा प्रोफेसर होएगा, घर होएगा,
वहां पे मेरा टीचर होना काम नहीं आ सकता, बल्कि वो उल्टा और ज्यादा शर्मसारी का बायस बनेगा। अगला बंदा कहेगा यार चंगा भला प्रोफेसर आदमी है, गड्डी में नू मारी बैठा। तो वहां पे ये दोनों बातें इंटर रिलेटेड नहीं है। वहां पे मेरा टीचर होना प्रोफेसर होना एक अलग इशू है और ड्राइवर होना एक अलग इशू है। अगर मैं टीचर ना होता तब भी ड्राइवर हो सकता था, ड्राइवर नहीं होता तब भी टीचर हो सकता था। ये हो सकता है कि एक आदमी टीचर है और अच्छा ड्राइवर है, या टीचर है लेकिन ड्राइवर में उसका ड्राइविंग में उसका हाथ थोड़ा हौला है। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ कोई भी लगा नहीं खाती, मैच नहीं करती, इनका एक दूसरे के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो जब एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाऊं तो मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं प्रोफेसर हूं, बड़ा मशहूर प्रोफेसर हूं अपने इलाके का, इसलिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बगैर ट्राई लिए मुझे बना दें। उनका नहीं ना, प्रोफेसर साहब गाड़ी नहीं देखती कि आप प्रोफेसर हैं कि डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं, वहां पे तो आपकी स्किल काम आएगी, आपकी महारत काम आएगी। तो इन दोनों बातों का एक दूसरे के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर दो बातों का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है फिर हम उन दोनों बातों को अलहदा अलहदा से स्टडी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बातें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मजबूरी होगी कि बीच में टीचर स्टूडेंट का रिलेशन आएगा, उसे आना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि जनाब उस्ताद जी तुम अपना उस्ताद होना जरा साइड पे रखो तो मेरा मुकाबला करो आगे जरा। नहीं, वो मैं अपना स्टूडेंट होना नहीं भूल सकता, आप मेरे स्टूडेंट होना नहीं भूल सकते, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होना। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, मैं अगर सालन पकाना चाहूं और जनाबे आली हांडी साड़ दूं, हांडी थल्ले लग जाए, बाद में मैं कहूं चलो यार प्रोफेसर आदमी सी हांडी साड़ती तो जनाब प्रोफेसर होना एक अलहदा बात है, अब हांडी तो सही पकाएं उसको थल्ले तो ना लगाएं या दूध तो ना उबाल दें। तो ये बातें एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। आप हमारे पास आए, 2 साल तक आपने हमारे पास पढ़ा, हमारा FSC का सेशन ऑलमोस्ट 26 महीने का होता है, तो 26 महीने हमारे साथ पढ़ के आप चले गए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपके वाले साहब आए मिठाई का बड़ा सारा टोकरा लेके और कहने लगे नवाज साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे बच्चे को बड़ी अच्छी फिजिक्स पढ़ाई, माशाल्लाह अब उसके मूछें दाढ़ी बड़ी अच्छी निकल आई है। मैं कहूंगा जनाब अगर बच्चा हमारे पास ना पढ़ता, बच्चा कहीं भी ना पढ़ता तो उम्र के साथ ये उम्र का हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ टाइम होता है, ये दाढ़ी मूछ तो आ ही जाना थी, उसके लिए आपको शुक्रगुजारी की क्या जरूरत है। या कोई आए कहे जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी अच्छी फिजिक्स पढ़ाई, बच्चा पहिए चुक के मोटरसाइकिल चला लेता है, जनाब ये तो हमने सिखाया ही नहीं और ना ही ये हमारे कोर्स में शामिल है, ना इस बात से कोई ताल्लुक है, अगर वो ना भी पढ़ता तब भी उसे आ ही जाना था ये काम, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। या कोई कहे कि जनाब आपने बच्ची को बहुत अच्छी तालीम दी, अब माशाल्लाह कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेती हैं, जनाब ये तो हमने सिखाया ही नहीं, हमने तो कुछ और सिखाया था, हमने तो कुछ और पढ़ाया था। तो ये बातें एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। कुछ चीज़ें इंसान वक्त के साथ सीख ही लेता है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बाल सफेद होना होते हैं। कोई कहता है जनाब मेरे जैसे लोग दावा किया करते हैं या कहा करते हैं रोग झाड़ने के लिए कि मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, अगला मतलब दिल में कह रहा होता कि जनाब अगर आप ये तीर ना मारते जो आप कह रहे हैं कि आपने मारा है, बाल आपके तब भी सफेद हो जाने थे, ये उम्र का हिस्सा है, ये कोई ऐसी फख्र वाली बात नहीं है। तो मतलब ये कि इन चीजों का अगर मैं ना भी बढ़ाता, अब 40 साल के की उम्र हो गई है मेरी, अगर मैं ना भी बढ़ा रहा होता तब भी उम्र हो जानी थी। मैं ये कहूँ कि जनाब मैंने पढ़ा पढ़ा के इतनी उम्र कर ली है, अगर मैं ना पढ़ाता तो मेरी इतनी उम्र नहीं होनी थी। नहीं जनाब ऐसा नहीं है, अगर ना भी पढ़ाते तब भी ये हो जानी थी, तब भी वक्त गुजर जाना था, तब भी ये मुंह ऐसा ही रहना था। अब बात यह है कि ये जो मामलात हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। तो जब कोई दो मामलात एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है तो आप इनको अलहदा अलहदा से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे बालों का सफेद होना, उम्र का गुजरना या मेरा पढ़ाना, इनका एक दूसरे के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और ये एक दूसरे के साथ रिलेट भी नहीं किए जा सकते। जब आपने रिलेट करना है तो उन चीजों को करें जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हाँ, जो मेरी टोन है, मेरा लहजा है, मेरा बात करने का तरीका है, नासिहाना अंदाज है या और कोई इस तरह की जो मेरी बातें हैं, मैं जो पढ़ाता हूँ या जो कभी कभार को मोटिवेट करने के लिए कोई वीडियो रिलीज कर देता हूँ, ये सारी बातें मेरे टीचर होने से मैच करती हैं, इनका एक दूसरे से रिलेटेड रिलेशन है। इनके बगैर
पढ़ा, अगर मैं ना पढ़ा रहा होता फिर मैं ऐसी बातें ना करता, तो इनको आप अलहदा नहीं कर सकते। तो बात यह है कि अगर तो दो पैरामीटर्स या दो चीजों को आप अलहदा अलहदा कर सकें, आप अलहदा कब कर सकेंगे, आप अलहदा कब करते हैं, उस वक्त जब वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती, जब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, तब आप उनको अलहदा से स्टडी कर सकते हैं, अलहदा से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं तब आप उनको अलहदा अलहदा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो जनाब हम देखते हैं टू डायमेंशन में होने वाली मोशन को, और फिर ये देखेंगे कि ये दोनों सिमतों में होने वाली मोशन एक दूसरे पर डिपेंड करती है या नहीं करती। तो अगर तो दो डायमेंशन में होने वाली मोशन एक दूसरे पे, दोनों सिमत एक्स एक्स के अलोंग मोशन, वाई एक्स के अलोंग मोशन एक दूसरे पे डिपेंड करती है, तब तो आप उनको अलगा नहीं कर सकते, अलगा से डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब एक को छोड़ के फिर दूसरी को डिस्कस नहीं किया जा सकता। और अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती तो चाहे एक को डिस्कस कर लें चाहे दूसरे को डिस्कस कर लें, कोई हर्ज नहीं है। तो आइए देखते हैं जनाब अली, हमारे पास सिचुएशन ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लिया गया, ये एक्स एक्स है जनाब और ये है जी वाई एक्स। तो हमने कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल फेंका है, ये जनाब जैसे डस्टर है मेरे पास, मैं इसे फेंकने लगा हूं। अब दो तरीके हैं, या तो जमीन के लेवल पे फेंके यहां से और ये जमीन के लेवल पे यहां पे आ जाए, या किसी हाइट से फेंके यहां से और ये पकड़ लिया जाए। पहले मरहले में हम किसी हाइट से फेंकेंगे, अगले मरहले में जमीन के लेवल से फेंकेंगे, दोनों सिचुएशन को बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। लो जी हम किसी हाइट से फेंकते हैं इसको ऐसे करके, आप देखेंगे ये टू डायमेंशन में होने वाली मोशन है, स्लो मोशन में देखें जरा, ये ऐसे जा रहा है, ये टू डायमेंशन में होने वाली मोशन है, ये थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा नीचे को आता है, आगे जाता है नीचे को आता है, तो इसकी मोशन कुछ हॉरिजॉन्टल है और कुछ है वर्टिकल है। नबे अली हुआ ये कि इसे किसी ने फेंका यहां से, हाइट को आमतौर पे हम एच से लिखते हैं, यहां पे वाई एक्स के अलोंग है तो हम इसे वाई से लिख लेते हैं। तो जनाब वाई हाइट से किसी ने इसको फेंका है, थ्रो किया है, और फेंका है जनाब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए ऐसे। अब आप देखें यहां से फेंका गया है और वहां पे इसने जाना है, तो इतना सफर तय करके, इतना सफर तय करने के दौरान फेंकने वाले ने कितनी फोर्स लगाई, कहां तक फोर्स लगाई फेंकने वाले ने इस पर, यहां से फोर्स लगाना शुरू की, यहां पे हाथ से छोड़ दिया गया, बाकी सफर इसने अपने इनर्शिया की वजह से तय किया। तो चूंकि इसके पूरे कोर्स ऑफ जर्नी के दौरान, पूरे इसके सफर के दौरान, पूरे सफर के दौरान चूंकि बहुत थोड़ा सा हिस्सा था जिस दौरान इस पर फोर्स लगती रही और बाद में इस पर फोर्स नहीं लग रही थी, बहुत थोड़े वक्त के लिए, बहुत थोड़े हिस्से के लिए फोर्स लगी, इसलिए जो फोर्स लगाने वाला है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस जब हाथ से निकल गया अब क्या हो रहा है उस दौरान हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फेंकने वाला फेंक के दौड़ गया, अब जाए खसमन खाए, अब क्या हो रहा जी, फेंकने वाले ने इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, आइडियल केस है, फ्रिक्शन यहां पे अमल नहीं कर रही है, फ्रिक्शन यहां पे अमल नहीं कर रही है। तो जनाबे आली चलो ठीक है, अब फेंकने वाले ने इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, हम देखेंगे कि इस पर कौन सी फोर्स या कौन सी फोर्स अमल कर रही है, फोर्स अपनी ही सिमत में इसे मूव कराने की कोशिश करेगी, कोई भी जो फोर्स है। तो जनाब अब ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जिधर को जा रहा है जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी सिमत में उसी वेलोसिटी से अपना सफर जारी रखेगा, कब तक, जब तक के कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इसे डिस्टर्ब ना कर दे। तो देखते हैं जनाब क्या कोई फोर्स इसे डिस्टर्ब कर रही है या नहीं डिस्टर्ब कर रही है। हमने तो इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था और याद रखें फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल केस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस पर अमल नहीं कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही है। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अमल नहीं कर रही तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी वी एक्स,
वी एक्स वेलोसिटी से इसे फेंका गया है। तो जनाब ये जू ही हाथ से निकला, अब इस पर सिर्फ एक फोर्स अमल कर रही है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप उसे कम नहीं कर सकते, आप उसे ज्यादा नहीं कर सकते, आप उसे बच नहीं सकते, उसे शील्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, उसे डिस्कस करना तो मजबूरी है। लो जनाब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अमल कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे किधर को खींचेगी या खींचने की कोशिश करेगी, नीचे को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे खींचने की कोशिश करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जनाब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को अमल करेगी, उसकी वजह से नीचे को आएगा, लेकिन नीचे को ऐसे नहीं आएगा कि हॉरिजॉन्टल जा रहा था, जब टॉम एंड जेरी में टॉम साहब होते हैं दौड़ते जाते हैं, छत खत्म होती है, खला में जाके खड़े हो जाते हैं हवा में और थोड़ी देर बाद नीचे देखते हैं, ओ, ओ नीचे गिर गए। ऐसे नहीं करना, इसमें यकदम नीचे नहीं गिरेगा, यकदम नीचे तब गिरेगा जब हॉरिजॉन्टल इसकी मोशन खत्म हो जाए, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि कोई फोर्स अमल नहीं कर रही है, इसलिए ये अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बरकरार रखेगा, ये अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बरकरार रखेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वैसी रहेगी, वर्टिकल लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यह थोड़ा सा नीचे को आ जाएगा, लेकिन नीचे को आएगा साथ में आगे को भी सफर जारी रखेगा। तो अब पहले इसकी वेलोसिटी थी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल, अब कितनी हो गई है यहां पे, अभी ऐसे नीचे को आना शुरू हो गया, अब वेलोसिटी आगे को भी है और नीचे को भी है। जो आगे को है इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी एक्स और वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई। अब देखें, अब इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन बिल्कुल स्ट्रेट होगी और उसमें कोई फोर्स अमल नहीं करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म रहेगी। जबकि वर्टिकल, ये देखें, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली जीरो है, जैसे जैसे नीचे को आएगा वर्टिकल वेलोसिटी, डाउनवर्ड वेलोसिटी ज्यादा होती चली जाएगी। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलोंग है, ये है इसकी ओवरऑल वेलोसिटी, जिसका एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, थोड़ा और ये आगे गया, थोड़ा सा आगे को गया और थोड़ा सा नीचे को आ गया। तो हुआ ये कि अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि उधर को कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। आप यहां पे आए, आपने मैटर किया होगा पहले, अब आप एफएससी कर रहे हैं, अब उसके बाद आप और बड़े हो गए होंगे, ये लेक्चर देखने वाले हो सकता है कोई टीचर भी हो, कोई पेरेंट भी हो, और भी कोई भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है। तो आपका वक्त गुजर रहा है, उम्र आपकी गुजर रही है, आप मेहनत कर लेंगे तब भी वक्त गुजरता रहेगा, ऐसे ही नहीं मेहनत करेंगे तब भी गुजरता रहेगा, इस वक्त को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाएंगे तब भी ऐसे गुजरता रहेगा, नेगेटिव में लगाएंगे तब भी ऐसे गुजरता रहेगा, आप जो मर्जी करते रहें वक्त गुजरता रहेगा, उम्र गुजरती रहेगी। वो यही सूरत हाल यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वही है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अमल कर रही है। लो जी फिर थोड़ा सा ये आगे को गया, थोड़ा सा नीचे को आया, आगे को ओए ओ तेरा पला हो जाए। तो जनाब आगे को जब ये गया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे को जाने वाली वैसी की वैसी है, वर्टिकल वेलोसिटी पहले से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, वेक्टर थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, थोड़ा सा और ये गया आगे को, थोड़ा सा और नीचे को, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बेटा जी उतने की उतनी, और वर्टिकल वेलोसिटी है थोड़ी सी ज्यादा हो गई, और जनाबे आली ये देखिए, तो अखीर तक जाते जाते हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी उतने की उतनी, वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी। ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज इक्वल हो या कौन सी कम हो कौन सी ज्यादा हो। तो आप ये देखें कि यक वक्त होने वाली टू डायमेंशन में मोशन है, लेकिन इन दोनों सिमतों में होने वाली मोशन का एक दूसरे के साथ एक्स एक्स वाली वेलोसिटी का वाई एक्स वाली वेलोसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्स एक्स वाली वेलोसिटी अपने हिसाब से चेंज हो रही है और एक्स एक्स वाली वेलोसिटी अपने हिसाब से कॉन्स्टेंट रह रही है, क्योंकि एक्स एक्स की सिमत में कोई भी फोर्स अमल ही नहीं कर रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स चूंकि अमल ही नहीं कर रही, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक अलग
सिचुएशन है। वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आ रही है, ये एक अलग सिचुएशन है टोटली। ये चूंकि एक दूसरे से डिपेंड, एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करती। एक बस जा रही है लाहौर की तरफ और उसमें जनाब 40 सवारियां बैठी हैं, दो सीटों पे साथ साथ, दो दो सीटों का पेयर है, साथ साथ सवारियां बैठी हैं, इकट्ठे जा रहे, एक ही तरफ का मुंह है, मंजिल सबकी लाहौर है, मकसद सबका जुदा जुदा है, कोई एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। आप दुनिया में आए, आप दुनिया में जाने से पहले तक जहां पे आप हैं, आपका किसी दूसरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, चाहे वो कितना भी कोई आपका प्यारा सगा क्यों ना हो। आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई एक दूसरे की जिंदगी में एक हद से ज्यादा दखल नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी हो। कोई पकड़ के नहीं आपको कुछ कर बना सकता, आपने खुद बनना है, जो भी बनना है। कोई मैं या कोई भी दूसरा आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, लेकिन काम करना आपकी मर्जी, इरादे और नीयत पे मुनहसर है। तो जनाब एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इन दोनों मोशन का एक दूसरे के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को हम अलहदा से स्टडी करेंगे और वर्टिकल मोशन को अलहदा से स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है जनाब इसका एक्स और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका वाई। वर्टिकल कितनी हाइट से ये गिरा है नीचे, और जहां से इसको लॉन्च किया गया वहां से लेकर एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड ये कहां तक गया है, ये जनाब अली इसका एक्स फासला है। फॉर ये डेफिनेशन है, बाद में डिस्कस करना है हमने इसको, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल मोशन में चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। एस क्या है जनाब एक्स, वी क्या है वी एक्स इंटू टी। लो जनाब आली ये जनाब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकल आया किसका, फॉर एन ऑब्जेक्ट जिसको किसी हाइट से फेंका गया है। सिचुएशन याद रखिएगा। और जनाब आली अब वर्टिकल मोशन में देखते हैं कि क्या बनेगा। जनाब आली मैं देख रहा वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, ये दूसरी दफा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, पहले किया उसका फोकस ही बहुत खराब हो रहा था, मैं कह फिर आपको दुखी जरा ज्यादा होंगे देखते हुए, तो चले जी आज मैं कह देख लूं सही भी हो रहा है कि नहीं। वर्टिकल मोशन में देखें जी, यहां से फेंका गया, हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाइट मालूम करना है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कंफर्टेबली, वजह ये कि अब सिर्फ वर्टिकल मोशन को डिस्कस करना है, इसका हॉरिजॉन्टल से कोई ताल्लुक नहीं है। वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल को डिस्टर्ब नहीं कर रही और हॉरिजॉन्टल मोशन है वर्टिकल मोशन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो फॉर्मूला ये लगाएं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस क्या है बेटा जी, एस की जगह पे है वाई, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि वर्टिकल की बात हो रही है तो वी आई वाई लिखेंगे, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और टी लिखना रह गया, प्लस हाफ ए की जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। वर्टिकल मोशन में सिंपल बात यह है कि एक्सेलरेशन जी होगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा जी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, देखे ना वर्टिकल वेलोसिटी यहां से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो वी आई वाई जीरो हो गया, जीरो इंटू टी जीरो हो गया, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है किसके लिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट जिसको क्या किया गया है, किसी हाइट से थ्रो किया गया है ऐसे करके। तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकल आया है उसके लिए जिसको किसी हाइट से थ्रो किया गया है। ना देखे हमने अब दोनों डायमेंशन में होने वाली मोशन को एक दूसरे से अलग-अलग करके बड़ी आसानी से डिस्कस कर लिया है, और हम ऐसा करने में क्यों कामयाब हो सके हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब ही नहीं कर रही, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। रियल केस में फ्रिक्शन जब होगी वो दोनों को डिस्टर्ब करेगी, लेकिन हम वो केस चूज किया करेंगे जिनमें फ्रिक्शन इफेक्ट निगलिजिबली स्मॉल है।
जनाब आली, ये दो डायमेंशन में होने वाली मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। शर्त क्या है कि दोनों डायमेंशन में होने वाली मोशन एक दूसरे को डिस्टर्ब बिल्कुल ना करे। और ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है। कब? जबकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स अगर लग रही होगी वो दोनों डायमेंशन को एक जैसा ही या थोड़ा घाटा वाधा करके, बहरहाल वो दोनों डायमेंशन में होने वाली मोशन को डिस्टर्ब करेगी। सिर्फ ग्रेविटी है जो वर्टिकली तो मुतासर करती है, हॉरिजॉन्टल मोशन को मुतासर नहीं करती है। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें या तो आप यूं कह लीजिए कि दो टू डायमेंशन में मोशन हो रही हो और दोनों डायमेंशन में होने वाली मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, या फिर आप यूं कह लीजिए कि टू डायमेंशनल मोशन, एनी टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी का मतलब भी वही है जो पहले बयान किया गया कि दूसरी डायमेंशन को ये मुतासर नहीं कर रही। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना ही लगना है, अगर मटीरियल ऑब्जेक्ट है तो कुछ और लगे ना लगे। तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगेगी, एनी टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, कंप्यूटर वाले टर्म इस्तेमाल करते हैं, किसी फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं, प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराते हैं, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सच मोशन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सच मोशन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। तो वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कहलाता है, प्रोजेक्टाइल नाम है। एक एग्जाम्पल क्या गया है जनाब इसकी, फुटबॉल को किक लगाते हैं, ए ऐसे करके जाता है, वो एक प्रोजेक्टाइल है। क्रिकेट के मैच में फील्डर बाउंड्री से थ्रो थ्रो करता है, बॉल को पिच तक जाती है, वो बॉल जो जा रही है वो प्रोजेक्टाइल है। कुत्ता चौं चौं करके आपके पीछे, या बहू बहू करके ऐसा केस में भी आपके पीछे पड़ गया, बट्टा उठा के मारते हैं कुत्ते को आप, वो जो बट्टा जा रहा है वो प्रोजेक्टाइल है। जब आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती तो अब्बा जी या अम्मी जी जो चप्पल उठा के मारती हैं जनाब मिसाइल की तरह, वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। ये मिसाइल्स भी प्रोजेक्टाइल होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के एंड पे मिसाइल्स को डिस्कस करेंगे एक पूरे लेक्चर में इंशाल्लाह। तो जनाब प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, दूसरे पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगली एपिसोड में। हमारे साथ रहिएगा, सेम चैनल, टाइम आपकी मर्जी का।